हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आबू और आपके अपने चैनल को भी धावा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर चलिए शुरू करते हैं। आज हम दिवाली स्पेशल मूंगफली की एक ऐसी मिठाई लेके आए हैं जिसके आगे काजू की मिठाई भी फीकी लगेगी, जिसके लिए हम 2 कप मूंगफली लेंगे। अब हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें हम मूंगफली को डाल के इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही 3 से 4 मिनट तक हमें से लगातार चलाते हुए भूनना है। इसमें हमें घी नहीं डालना है, बिना घी का ही हमें से भूनना है। और ये देखिए, हमारी मूंगफली अच्छे से भून गई। अब हम एक मूंगफली उठा के चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मूंगफली हमारी भून गई है। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसे थोड़ा देर के लिए ठंडा करने देंगे। ये देखिए, हमारी मूंगफली ठंडी हो गई है। अब हम आप चाहें तो इस तरह से हाथों से क्रश करके भी इसके छिलके निकाल सकते हैं, नहीं तो आप एक कपड़े के ऊपर मूंगफली को डालिए, उसके बाद इस तरह से मसलते हुए इसके छिलके निकाल लीजिए। इसी तरीके से सारे मूंगफली के छिलके हम निकाल के इसको अच्छे से हम साफ कर लेंगे। उसके बाद हम इसे मिक्सी ग्राइंडर में डाल के इसका फाइन सा पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे मूंगफली को डाल लिया एक ग्राइंडर में। अब हम इसके फाइन सा पाउडर बना लेंगे। इसके बाद हम एक छन्नी में इसको डाल के इसको अच्छे से छान लेंगे ताकि मूंगफली की कोई भी गुठली बच गई होगी ना तो उसमें निकल जाएगी। और इसके बाद हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर से बिल्कुल मावा जैसा टेस्ट आएगा और इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें हम 1 कप चीनी डालेंगे और 1/2 कप पानी डालेंगे। और इसे हमें मेल्ट, चीनी हमारा जब तक मेल्ट होता है तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। हमारा 2 कप मूंगफली था तो हम 1 कप इसमें चीनी डालेंगे। और ये देखिए, हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हल्की सी चिपचिपी हो गई है, हमारी छोटी सी तार बनने लगी। ये हमारी चाशनी बन के तैयार हो गई। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसमें मूंगफली के पाउडर को डाल के थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे हम मिक्स करते जाएंगे। इस टाइम पे हमें गैस ऑफ करके ही रखना है। और ये देखिए, मैंने सारे मिक्स कर लिए। अब हम गैस ऑन कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक हम इसे और पका लेंगे। जब हमारा पैन छोड़ देगा तब समझ जाइए हमारी ये मिठाई बन गई थी। अब हम 1/2 छोटी चम्मच घी डालेंगे। घी डालने से मिठाई में शाइनिंग आएगी। और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम गैस ऑफ कर लेते हैं। अब हम एक प्लेट लेंगे और इस पर हम घी से इसको ग्रीस कर लेंगे इस तरह से। अब हमने जो ये मूंगफली वाला मिक्सचर बनाया है इसे हम डाल देंगे इस तरह से, सारे मिक्सचर को इसी पे डाल के। और इसे हमें ठंडा करना है इस तरह से फैला देंगे और ये हमारे हल्की सी ठंडा हो जाए। ये देखिए, हमारा ये ठंडा हो गया। अब हम इसे 2 पार्ट में कर देंगे। एक पार्ट को हमें ज़्यादा रखना है और एक पार्ट को हम कम करेंगे रखेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें, अब हम हाथ पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे। उसके बाद हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे, बिल्कुल छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। ये छोटी वाली गोलियां हमें ज़्यादा बनानी है और एक बड़ी साइज में बनानी है। जैसे नींबू का साइज होता है उसी शेप में, उसी साइज में हमें इसे बनाना है। ये देखिए, इसी तरीके से हम सारे दोनों को बना लेंगे, छोटे वाले को भी बड़े वाले को भी। और ये देखिए, मैंने छोटी गोलियां भी बना ली है और बड़े वाले भी बना लिए हैं। अब हम एक बड़े वाले लेंगे बॉल और इस तरह से हाथों से, क्योंकि बनाने के रखने के बाद थोड़ा सा चिपटा हो जाता है, इसके बाद हम इसे अच्छे से हाथों से ऐसे घुमा लेंगे गोल सा। अब हम छोटे वाले बॉल्स को इसको बड़े वाले के ऊपर इस तरह से चिपकाते जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सीताफल का होता है ना मिठाई, उसी शेप में हम इसे बनाना है। एक एक बॉल्स छोटे वाले को लेके इस तरह से चिपका के हम इसे मिक्स कर लेंगे। एक बॉल्स में, हमारे बड़े वाले बॉल्स में एक मिठाई में हमें छोटी वाली गोलियां 8 से 10 लग जाएंगे। और इसे हमें, ये देखिए, इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। और ये देखिए, हमारी सारी बन गई। अब हम हाथ पे थोड़ा सा फूड कलर लेंगे। ये ग्रीन कलर का फूड कलर है, ये लिक्विड फूड कलर है। अगर आपके पास पाउडर वाला है तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल दीजिएगा। और ये देखिए, इस तरह से हम इसको कलर लगा लेंगे। और ये देखिए कितनी मस्त आई है। इसी तरीके से हम सारे मिठाई पे ऐसे कलर की कोटिंग कर लेंगे, ग्रीन कलर। और ये देखिए, और इसके ऊपर से हम एक सा छोटा सा लौंग लगाएंगे। लौंग लगाने से ना ये और अट्रैक्टिव बनेगा। इसी तरीके से हम सारे मिठाई को तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, हमारी मस्त सी दिवाली स्पेशल मूंगफली की मिठाई बनके तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है।
इसे आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।